Today I'm going to discuss the new cue card, and the topic is describe a law on environment protection. And the questions are what it is, how you first learn about it, who benefits from it, and explain how you feel about this law. बहुत सारे लॉ आते हैं, जैसे बैग, प्लास्टिक बैग से रिलेटेड, स्मोकिंग से रिलेटेड, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के रिलेटेड लॉ जो एनवायरमेंट बेस पे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. आप किसी भी चीज के बारे में डिटेल पहले पता कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो. यहाँ पे मैंने जो बनाया है वो जो जैसे डेंजरस वेस्ट होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, क्योंकि मोस्टली केमिकल वगैरह होते हैं, तो उसी के रिलेटेड जो लॉ होते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है. सेवरल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन मीन्स लॉ एग्जिस्टेड इवन बिफोर द इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड मेनी आर मेड एंड लॉन्च आफ्टर इंडिपेंडेंस. Environment Protection Act authorized the government to protect and improve the environment qualities, control as well as reduce the pollution from all sources, and restrict the setting and operations of any industrial facility on environmental ground. अगर किसी environmental ground पे कोई industrial जो factory वगैरह है, अगर कोई operation कर रही है, setting कर रही है, उसको restrict करना means उनकी limit और boundaries को set करना कि इससे बाहर वो नहीं काम कर सकती, क्योंकि इसके बाहर अगर करती है तो environment को नुकसान होता है. तो ये सारी powers होती हैं, वो एक act के अंदर होती हैं. पहला क्वेश्चन है कि किस लॉ के बारे में आपने बोल रहे हो. मैंने यहाँ पे बोला है कि कोई जो डेंजरस रिस्की वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशंस आते हैं उसके बारे में बताया कि जो डेंजरस वेस्ट मटेरियल होता है उसको किस तरीके से उन्होंने रीयूज किया, रिसाइकल किया, या किस तरीके से किन किन चीजों को उनसे बेनिफिट हो रहे हैं या नुकसान हो रहे हैं, वो सारी चीजें इस लॉ में डिस्कस की है. डेंजरस वेस्ट मीन्स in the form of physical, chemical, toxic and flammable is likely to cause a danger to the environment or health. कि कोई भी फिजिकली फॉर्म हो सकती है उस वेस्ट की, केमिकल बेस पे कोई जलने वाली चीज होती है उसके बेस में वो एक वेस्ट का एक रूप हो सकता है जो कि एनवायरमेंट को भी और हेल्थ दोनों को नुकसान पहुंचाती है, डेंजरस होती है दोनों के लिए अगर हम उनके कॉन्टेक्ट में आते हैं तो. देयर आर सेवरल लॉज दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील विद द वेस्ट मटीरियल. द रिलेवेंट रूल्स जो भी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत सारे जो लॉज है वो चल रहे हैं और हरेक के जो है वो रूल अलग अलग हैं. यहाँ पे मैंने कुछ लॉ को डिस्क्राइब किया है क्योंकि अगर आपको इसको एड ऑन करना है तो एड ऑन कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो अगर आपको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो तो. अगला क्वेश्चन है हाउ यू फर्स्ट लर्न अबाउट इट. अगर किसी लॉ के बारे में बोल रहे हो तो ऑब्वियसली हमने इंटरनेट पे, किसी बुक पे, किसी न्यूज़पेपर पे या टीवी पे देखा होगा या सुना होगा या पढ़ा होगा, तभी हमको उसकी जानकारी मिलती है. तो उसी के बारे में बोलना है आपने कहाँ से पढ़ा था. आई लर्न इट फ्रॉम एनवायरमेंटल बेस्ड बुक दैट आई रीड लास्ट ईयर. Every act is explained in the book very well. क्योंकि environment बेस पे बुक थी तो जो भी एक्ट environment में को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट उसके हर एक की डिटेल्स उसमें लिखी हुई है. देर आर सम रूल्स डीलिंग विद जो कुछ हर एक जो एक्ट है उसके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं कि कैसे डेंजरस वेस्ट को मैनेज करना है, तो हर एक एक्ट के उसमें दे रखे हैं. तो पहला है जो रिस्की वेस्ट रूल्स 2008 में लॉन्च हुआ था वो हेल्प कर रहा है मैन्युफैक्चरर स्टोरेज एंड इम्पोर्ट द जैसे डेंजरस केमिकल्स वगैरह इम्पोर्ट करते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, उस जो स्टोरेज कर रहे हैं उसको कैसे तरीके से हैंडल करना है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है, वो सारी जो चीजें वो इस कैटेगरी में आ रही है. सेकेंड है बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स कि जो हॉस्पिटल वगैरह में अगर वेस्ट होती है बनती है तो उसको किस तरीके से मैनेज करना है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं. बायोमेडिकल वेस्ट रूल 1998 वर फॉर्मुलेटेड अलॉन्ग पैरेलल लाइंस फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल एंड ट्रांसपोर्ट कैसे करना है या डिस्पोजल कैसे करना है, उस वो सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें दे रखे हैं. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स एम होता था इनका कि अनेबलिंग करना कि म्यूनिसिपैलिटी टू डिस्पोज म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन द साइंटिफिक मैनर्स, कि प्रॉपर तरीके से वेस्ट को डिस्पोज करना ताकि उसका किसी और पर हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े. तो ये तीन कैटेगरीज हैं, हर एक कैटेगरी के अलग अलग अपने अपने अलग अलग रूल्स हैं, तो वो हर एक तरह की जो वेस्ट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं.
तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई हैं, जो गवर्नमेंट भी अप्लाई कर सकती है, और अगर घर में आप कर रहे हैं तो वहां पे भी आप प्रॉपरली तरीके से कर सकते हैं। हु बेनिफिट फ्रॉम इट, किस किस चीजों को, किन चीजों को इस जो रूल से फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगर एनवायरमेंट बेस पे बना है तो हर एक चीज को इससे फायदा होगा। रिसाइकल एंड रीयूज डेंजरस वेस्ट कैन अवॉइड द एनवायरमेंटल, जो इन्वायरमेंट पे बुरे जो असर पड़ रहे हैं वो कम हो जाएंगे, अवॉइड कर सकते हैं उसको इस चीज से। अगर प्रोडक्ट रीयूज कर रहे हैं या रिसाइकल कर रहे हैं तो इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा फैमिलीज को, क्योंकि अगर किसी चीज को हमने दोबारा यूज कर लिया तो हमें नहीं लेनी पड़ेगी, तो वो उन चीजों से उनका बजट बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। एनवायरमेंट बेनिफिट होता है कि अगर जितना हम रीयूज करेंगे या रिसाइकल करेंगे उतना वेस्ट मटेरियल वो कम होता जाएगा, तो एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन वो कम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट दिस लॉ। आई थिंक इट इज एक्सीलेंट लॉ टू हैंडल द वेस्ट, बट इफ द गवर्नमेंट गेट्स अवेयर ऑफ द पीपल मैनेजिंग एंड रिसाइकलिंग द गार्बेज एट होम, इट वर्क मोर एक्यूरेटली। अगर गवर्नमेंट लोगों को और जागरूक करे करे कि घर में कैसे हम रिसाइकिल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं घर की जो वेस्ट है, तो वो और अच्छे तरीके से ये रूल काम करेगा। आई बिलीव द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट कैन मेक द एनवायरमेंट मोर क्लीन एंड सेफ। कि दोनों का बराबर जो कंट्रीब्यूशन चाहिए अगर हम क्लियर और सेफ एनवायरनमेंट चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यू कार्ड। इफ यू लाइक माय आइडिया प्लीज शेयर इट। अगर इसको आपने कुछ चीजें यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लग रही है, पर अपने अकॉर्डिंग की उनकी लेंथ कम ना हो, टाइम के अकॉर्डिंग 2 मिनट आपके कंप्लीट हो जाए। सो इफ यू लाइक दिस इट, please share it and subscribe my channel. Thanks for watching.